आप अगर लेह लद्दाख टूर प्लान बना लिए या नियर फ्यूचर में बनाने वाला है तो आपके लिए मेरा ये छोटा सा पेशकश। इस वीडियो में मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आप जाने वाला है। इससे आपको और आसान हो जाएगा टूर के दौरान। अंत तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो को समय निकल के एक बार जरूर देखिए। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्द का अर्थ एक ही है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित ये दर्रा कश्मीर घाटी को अपना पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है और इसका आगे पूर्व से सिंधु घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा को अक्सर लद्दाख के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है और ये जोजिला सोनमार्ग से आपको 24 किलोमीटर आगे देखने को मिलेगा। जोजिला पास का जैसे दूसरा छोर में पहुंचेंगे वहां पे आपको मिलेगा जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट एक खूबसूरत जगह है, वहां पे काफी सारे बर्फ आपको मिलेगा और प्लेन एरिया है उस जगह पे। वहां पे काफी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी चलता रहता है, तो आप वहां पे जा करके कुछ समय वहां पे भी बिता सकते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी या सुनो का आनंद भी वहां पे आप ले सकते हैं। यह देखिए खूबसूरत एक व्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट आप देख पाएंगे द्रास सेक्टर में कारगिल वार मेमोरियल जो यहाँ से 46 किलोमीटर है इस जीरो पॉइंट से। जीरो पॉइंट से कारगिल वार मेमोरियल जाने से पहले एक जगह और विजिट करना है जिसका नाम है मुस्को घाटी जो द्रास सेक्टर में आते हैं। और ये जो द्रास सेक्टर है ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडी निवास स्थान है और इस घाटी को तुलिप की घाटी का नाम से भी जाना जाता है जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। व्यापक रूप से हिमाच्छादित और मानव निवास के लिए अनुपयुक्त माने जाने वाला यह स्थान 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान प्रमुखता से सामने आया जब पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर ली और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। श्रीनगर लेह हाईवे पर द्रास में बना है कारगिल वार मेमोरियल। यह स्मारक कारगिल विजय दिवस की गाथा को बताती है, साथ ही युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम को भी याद दिलाती है। हर साल 26 जुलाई को शहीदों को याद में विशेष आयोजन किया जाता है यहाँ पे। यूं तो भारत पाक में बंटवारे के बाद कई युद्ध हुए पर इनमें से सबसे खास है 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध। ये खास इसलिए है कि पाकिस्तान के धूर्त गैंग ऑफ फोर सेना एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था भारत से कश्मीर को हासिल करने के लिए। इसके बाद अगले पड़ाव रहेगा सरगोल केव मोनिस्ट्री जो कि कारगिल टाउन होते हुए हमें आगे जाना है। सरगोल मूलबेग से 10 किलोमीटर आगे या कारगिल से 35 किलोमीटर पहले है और ये छोटा लेकिन पुराना जी लक्ष पा बौद्ध मठ है जिसमें साथ ही लेकिन दिलचस्प भित्ति चित्र है। गुम्पा के अंदर अवलोकितेश्वर का एक प्रतीक है। गुम्पा में तिब्बती कलाकारों द्वारा लकड़ी में उकेरी गई तारा की तीन छवियां भी है। ये भूरे ग्रेनाइट की चट्टान से निकला हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पहाड़ के बीचों बीच लटका हुआ है। ये वास्तुशिल्प विचित्रता इसे स्थानीय लोगों के बीच भी जिज्ञासा का विषय बनती है। वहाँ से जब लेह तरफ जाएंगे आपको ये गांव मिलेगा, ये रग्याल गांव है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है लेकिन ये बहुत ही पुराना जर्जर स्थिति में मोनेस्ट्री है, लेकिन यहाँ का व्यू और आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ भी लोग विजिटर्स आते रहते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे भी एक बार विजिट करते हुए आगे जा सकते हैं। यहाँ का लोकेशन और व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत है। नामिकला दर्रा जास्कर रेंज पर स्थित है जो श्रीनगर ले राजमार्ग को जोड़ता है। समुद्र तल से ये 12,139 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे को आकाशीय दर्रे के स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। नामिकला दर्रा मूलबेग घाटी के रास्ते में स्थित है और ये ले श्रीनगर रास्ते को जुड़ता है। उससे कुछ ही देर बाद आप जब ले की तरफ चलेंगे आपको ये मिलेगा ये गाँव जो इनविजिबल गांव के नाम पे भी जाना जाता है।
आज से कुछ साल पहले ये जो विलेज है ये बाहरी जनता के लिए ये बिल्कुल अनजान था। सन 2018 से इस गांव के लोगों को बारे में जानकारी सामने आया और यहाँ पे विजिटर्स आने लगे। यहाँ का रास्ता पक्का नहीं है, कच्चा रास्ता है, बारिश होगा तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे कार या मोटरसाइकिल जा सकता है। और ये रहा आपके लिए फटुला टॉप, जिसका हाइट 13,479 फीट है और ये ले श्रीनगर रोड पे सबसे ऊंचा स्थान यही है। यहाँ पे कुछ देर आप समय बिता सकते हैं। नामकिला टॉप से जैसे ही कुछ देर चलेंगे आपको सामने मिलेगा ये लमायरू मोनेस्ट्री, ये भी एक खूबसूरत जगह पे है और यहाँ पे टिकट सिस्टम है और यहाँ पे कुछ देर के लिए आप बिता भी सकते हैं। और वहाँ टॉप से इस लमायरू विलेज को आप बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ समय बिताए। ले पहुँचने से पहले सबसे पहले इसका बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा व्यू पॉइंट, तो यहाँ पे दो रिवर का मिलन है, संगम है, यहाँ पे भी कुछ देर आप बिता सकते और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी सुविधा यहाँ पे मिल सकता है, आप चाहे तो यहाँ रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो जगह है ये है मैग्नेटिक हिल पॉइंट। फिलहाल इस समय अभी हम लोग है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो ले से 25 किलोमीटर पहले आपको ये गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत एक जगह। पत्थर साहिब गुरुद्वारा विजिट के बाद सबसे पहले 25 किलोमीटर आगे जब ले पहुंचेंगे और उसके बाद आप पहुंच जाइए शांति स्तूप, जो दुनिया के सबसे ऊंची स्तूप है, और यहां से पूरा सिटी को आप बहुत ही खूब सुंदर तरीके से आप देख सकते हो। ले सिटी बहुत ही सुंदर सिटी है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका जो विजिटिंग प्लेस यहाँ का होगा आप एक दिन में सारे कवर कर सकते हो। तो अभी पहुँचे हैं दोस्त हम लोग अभी ये जरावर फोर्ट, एक छोटा सा फोर्ट है, इसका एंट्री फीस है 100 रुपीज़, आप अगर डिफेंस पर्सनल है आपके लिए बिल्कुल फ्री है। शाम को यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो 100 रुपीज़ में वो इंक्लूडेड है। तो दोस्त अभी एक बार ले सिटी को भी एक घूम लीजिए और यहाँ पे कुछ शॉपिंग अगर करना है तो वो भी कर लीजिए। ले सिटी का बीचों बीच 15वीं सदी का शुरुआत में स्थापित नामग्याल सेमो मठ मैत्री बुद्ध की 3 मंजिला ऊंची ठोस सोने की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ले महल के पीछे एक पहाड़ की चोटी पर स्थित मठ आसपास के ग्रामीण इलाकों, धीरे धीरे बहने वाला सिंधु नदी और जांस्कर रेंज को बर्फ से ढकी चोटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। रैंचो स्कूल, जिसे 3 इडियट्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लद्दाख में ले मनाली राजपथ पर 100 महल और मठ के करीब 100 गांव में स्थित ये बौद्ध सांस्कृतिक स्कूल है। स्कूल में 3 इडियट्स बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स दृश्य के शूटिंग के बाद ये स्कूल प्रमुखता से उभरा। इसके बाद आप विजिट करेंगे थिक्से मोनेस्ट्री, जो लद्दाख के सबसे खूबसूरत मठों के साथ साथ शांति के लिए पूरे लद्दाख में प्रसिद्ध है, जिसके आसपास की खूबसूरती और यहाँ के शांति हमेशा के लिए आपको यादों में बस जाएगी। ये मठ समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मध्य में करवाया गया था। हमारा अगला विजिटिंग पॉइंट रहेगा खाटुंगला पास, जो लद्दाख क्षेत्र के लेह के पास ये एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और स्वेग घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप से भी जाना जाता है। खाटडुंगला दरिया, जिसे आमतौर पर खारजुंगला भी कहा जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है, जो 5,602 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का दूसरे ऊंचे सड़क मार्ग का दावा करता है। खारजुंगला पास का प्राकृतिक सुंदरता यहाँ का हवा महसूस कराता है, जैसे कि आप दुनिया का शीर्ष स्थान पर है। ऐसे तो नुब्रा घाटी यहाँ से खाटडुंगला से 120 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है नुब्रा घाटी, जो कि एक 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये सियोक और नुब्रा नदियों के संगम में बनी है। सियोक नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और नुब्रा नदी उत्तर पश्चिम से आकर मिलती है। सियोक नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। खाटडुंगला से 74 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले आएगा डिस्किट मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री या मठ उत्तरी लद्दाख के नुब्रा घाटी के डिस्किट गांव में सेयोक नदी के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। इस मठ की समुद्र तट से ऊंचाई 10,310 फीट है। लद्दाख में स्थित ये मठ
नुब्रा वैली का सबसे पुराना मठ है, जिसे करीब 350 साल पुराना बताए जाते हैं। इस मठ में 100 बौद्ध भिक्षु भी निवास करते हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए हैं। डिस्केट मॉनेस्ट्री से 7 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं हुंडेर सैंडूस, जो कि लद्दाख की नुब्रा घाटी में स्थित है और अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय परिदृश्य के लिए जाना जाता है। हुंडेर लद्दाख गांव विशाल रेत के टीलों से घिरा हुआ है और सियोक नदी के पास स्थित है, जो इसकी सुरम्भ सुंदरता को बढ़ाता है। आप जब थॉयस तुरतुक होते हुए लास्ट विलेज थांग तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले आपको ये मिलेगा सियाचिन ओडियार म्यूजियम। इस म्यूजियम रास्ता पे आपको मिलेगा और थोड़ी देर यहाँ पे भी बिताइए। इसके बाद इस रूट का लास्ट पॉइंट है जो तुरतुक का थांग विलेज है। इस थांग विलेज में पहुँचे और ये देखिए इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट है। यहीं पे कुछ देर बिताने के बाद आप आगे का जर्नी तय कीजिए। तुरतुक से 319 किलोमीटर चलने के बाद आप पेंगोंग टीएसओ तक पहुंच सकते हैं। ये पेंगोंग लेक हिमालय में एक झील है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और ये 134 किलोमीटर लंबी है। लद्दाख से तिब्बत पहुंचती है ये लेक। जनवादी गणराज्य चीन में इस झील की दो तिहाई हिस्सा आते हैं और इसकी सबसे चौड़ी नोक में सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ी है। शीतकाल में ये नमक पानी होने के बावजूद झील संपूर्ण जमती है। पेंगोंग लेक से एक्सप्लोर के बाद 190 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच सकते हैं रेजंगला वार मेमोरियल, और इस मेमोरियल हाल फिल में बनाया गया है और यहां पहुंचने के लिए मिर्क चुसुल होते हुए पहुंचना पड़ेगा। रेजंगला वार मेमोरियल से 101 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले ये आर्मी कैफे आपको मिलेगा हानले में। यहाँ पे आप खाना पीना भी खा सकते हैं और ये परफेक्ट प्लेस है होम स्टे के लिए। और यहाँ पे दो चीज़ आप देख सकते हो, एक तो हानले गुम्फा, जो कि अभी पानी चल रहा है, वहाँ पे आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते हो, और दूसरा यहाँ पे एक है ऑब्जर्वेटरी है, जो कि 10 बजे के बाद खुलता है। दोनों चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ। 7 किलोमीटर दूर पर है एक स्थान से दूसरा स्थान। पहले खाटुंगला पास वाज हाईएस्ट मोटरवेल रोड पॉइंट, लेकिन दोस्त अभी उमलिंगला है हाईएस्ट मोटरवेल रोड। हानले से 50 किलोमीटर लुमा, देन अगेन 35 किलोमीटर आगे जाके ये पॉइंट आपको मिलेगा उमलिंगला। यहाँ पे विजिटर्स बहुत ही कम आता है, रोड पे कोई भी विजिटर्स नहीं मिला। यहाँ पे एक गाड़ी हमें दिखाई दिए है, और दोस्त ये काफ़ी दुर्गम एरिया है। इस एरिया में काफ़ी ठंडी भी है, और इससे आगे आपको डुमचुक एरिया है, जो डुमचुक विलेज है, जो चाइना के साथ झड़प हुआ था, सुना होगा। तो चलिए अभी थोड़ा फिलहाल मौज मस्ती करते हुए आगे हम लोग चलेंगे टीएसओ मोरीडी। तो मोरीडी एक लेक है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ी देर के बाद हम पहुँचने वाले हैं। वो भी एक खूब सुंदर प्लेस है, इस जगह को भी आप एक्सप्लोर जरूर करिएगा। लेकिन यहाँ का रोड दोस्त काफ़ी ख़राब है, हमें जो रोड का झेलना पड़ा शायद ही कोई झेलेगा, लेकिन हमारा मकसद यही है आपको रोड के बारे में देखो। अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं पोगो वैली, और ये घास का रेतीली मैदान है, बहुत ही खूब सुंदर एरिया है। यहाँ पे देखिए हरा हरा घास अब आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। ऐसे लेह लद्दाख में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, तो ये भी एक विजिटिंग प्लेस है। तो दोस्त इसके बाद हम चलते हैं, पहुँचते हैं हॉट स्प्रिंग व्यू। यहाँ पे देखिए नेचुरल हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म पानी यहाँ पे सोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर अंडा भी रख दो तो उबल जाएगा, काफ़ी गर्म पानी है ये, और ये सल्फर से भरा हुआ ये पानी। चुमनथांग हॉट वाटर स्प्रिंग से जब आगे निकलेंगे और उपसी होते हुए ले मनाली रोड पकड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको तांगलांगला पास मिलेगा। ये तांगलांगला पास का हाइट 5328 मीटर है। तांगलांगला पास से जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको मिलेगा बिल्कुल प्लेन एरिया, और ये 40 किलोमीटर का ट्रेस है, और इस जगह का नाम भी मोर प्लेन्स है। यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं इस रोड को। ये पांग विलेज है, यहाँ पे आपको होटल वगैरह छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट्स मिल जाएगा खाने पीने का, और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं, और आसपास का व्यू को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ले मनाली हाईवे पे एक और माउंटेन पास हमें क्रॉस करना होगा,
और मुझे पूछा जाए पर्सनली तो मैं बताऊंगा दोस्त, ये पूरा लद्दाख में मुझे ये सबसे अच्छा जगह यही लगा और सबसे थ्रिलिंग और सबसे खतरनाक भी यही है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार इस जगह विजिट जरूर करना चाहिए, खास करके जो एडवेंचर लाइफ पसंद करता है उनके लिए।